बिहार में भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन पर गहरा असर देखने को मिला। अधिकांश जिलों में मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम तापमान 47 डिग्री के पार था, जिससे लोग त्राहिमाम कर उठे। भागलपुर में भी गर्मी का प्रकोप अधिक था और तपिश के कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम हो गई थी। उमस के कारण स्कूली बच्चों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मंगलवार को जिले के कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही काली घटाएं आसमान में छाई रही और बिजली की कड़कड़ाहट ने बारिश की उम्मीद बढ़ा दी। तेज मूसलाधार बारिश में बच्चे सड़कों पर नाचते झूमते दिखे। वहीं दफ्तरों से लौट रहे कर्मियों ने भी मानसून की पहली बारिश का आनंद उठाया। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र स्थित भोलानाथ पुल की पुरानी कुव्यवस्था सामने आ गई, जहां सड़कों के मुख्य चौक चौराहों पर नाले का पानी बहता दिखाई दिया, जिससे नगर निगम की खामियां उजागर हो गई। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भागलपुर में कई सरकारी विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन हल्की बारिश भी शहर झेल नहीं सका। पाइपलाइन का काम लंबे समय से चल रहा है, लेकिन धरातल पर इसका प्रभाव खास नजर नहीं आ रहा है। भागलपुर समाहरणालय द्वारा वर्ष 2016 में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन जारी होने के 8 साल बीत जाने के बाद भी इन पदों पर बहाली नहीं हो पाई है। इसी मांग को लेकर मंगलवार को समाहरणालय परिसर में बेरोजगार युवकों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल युवकों का कहना है कि 2016 में आवेदन के बाद उनका चयन भी हो गया था और उनका नाम पैनल लिस्ट में भी आ गया था, इसके बावजूद उन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है। युवकों का आरोप है कि समाहरणालय प्रशासन द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है और जानबूझकर उनकी बहाली में देरी की जा रही है। दिन से प्रताड़ित है 8 साल से लगभग, भागलपुर समाहरणालय द्वारा 2016 में ही विज्ञापन निकाला गया था चतुर्वर्गीय पद के लिए, लेकिन इन 8 सालों में नीतीश सरकार द्वारा एक भी पद पर बहाली नहीं हो रहा है और नहीं किया गया है। अभी तक ये लटका के भटका के 8 साल तक रखा हुआ है। कभी आरक्षण रोस्टर दे देता है, कभी मार्क्स बेसिस पर बना देता है, जबकि चतुर्वर्गीय बहाली का पैनल में बिहार सरकार का रूल है 63-65 का। अभी तक जो बहाली हुआ है इसी रूल के 63-65 के अनुसार से ही होते आया है, वो भी DM के द्वारा। जब भी अभी 2015-16 में भी बहाली हुआ है, रूल सरकार का जो चतुर्वर्गीय का है 63-65, उसी के अनुसार से हुआ है। तो मांग है आपका? हम लोग का मांग है कि अविलंब नियुक्ति किया जाए, क्योंकि हम लोग का एज खत्म हो गया है और हम लोग एकदम रोड पर आ गए हैं। हम लोग का न शिक्षा व्यवस्था हो रहा है सही से मेरे बच्चों का, न हम लोग का खाना पीना, हम लोग का दैनिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया है। हम लोग मांग नहीं होगा तो नीतीश सरकार के पास जाके उनके पास धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारी मांग को सुना जाए। सर, हम लोग बेहाल हो गए हैं, हमारे बच्चों का हाल बेहाल है, न शिक्षा हो रहा है, न स्वास्थ्य हो रहा है, सभी लोग रोड पर हैं। हम लोग की एज भी नहीं रही अब आवेदन करने की, इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि अविलंब इस पर ध्यान दिया जाए और अविलंब इस पर नियुक्ति किया जाए, क्योंकि 8 साल मामला हो गया है। इतना दिन हो जाने के बाद भी आखिर क्यों हुआ, आखिर पैनल ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं बहाली हो रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा आज भागलपुर के समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। किसानों की मांग है कि कदवा दियारा में सड़क निर्माण के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सरकारी दर पर मुआवजा नहीं मिल रहा है। महासभा के जिलाध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव ने बताया कि वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 96,000 रुपये प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार केवल 72,000 रुपये प्रति डिसमिल दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उच्च स्तर पर आंदोलन करेंगे। हम लोग किसानों के पक्ष में धरना दे रहे हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो सरकारी रेट है 96,000 प्रति डिसमिल, वह कानूनी प्रावधान भी लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि 72,000 प्रति डिसमिल के दर से किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। और जब किसान कानून लागू करने की बात करते हैं कि हमको कानून के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए, 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ है उसमें ये नियम है कि किसानों को जो रजिस्ट्री रेट है प्रति मौजा में
उसे 4 गुना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो जो रेट है उससे भी कम दिया जा रहा है। हाँ, भूमि अधिग्रहण किसानों का हो रहा है कदवा में, प्रताप नगर मौजा में, वहाँ जो रेट है उस रेट से मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से कलेक्टर के यहाँ धरना देने आए हैं कि कानून कम से कम लागू हो। जमीन रोड बनाने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। महेश प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान महासभा, भागलपुर। भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लगातार हो रहे सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा रही है। ताज़ा मामला चौसा के मुरली चौक का है, जहां राजीव कुमार नामक युवक अपने घर से पैदल मुरली चौक के समीप पेट्रोल लेने जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक हाइवा ने उसे टक्कर मार दिया। हादसे में राजीव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मंगलवार की सुबह राजीव की मौत हो गई। चौसा मुरली चौक के निकट मेरा लड़का जा रहा था पेट्रोल लाने के लिए, उसी क्रम में हाईवे से टक्कर होने से मेरे बच्चे की मौत हो गई। गंधी चौक चौसा, जिला मधेपुरा। यहाँ कहाँ लाए? यहाँ लाए मायागंज। अच्छा। मायागंज में ट्रीटमेंट होते क्रम में ख़त्म हो गया। उसके राजीव कुमार। उम्र कितना? उम्र 21 साल, 9:15 में रात में। जी सर। वहाँ से फिर लाए भागलपुर? भागलपुर एम्बुलेंस लाया गया। हाँ। रेफर किया था, एम्बुलेंस आया। हाँ। एम्बुलेंस आने के बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट 2 मिनट हुआ। हाँ। उसके बाद दम टूट गया। भागलपुर सनोखर थाना क्षेत्र के कुसाहापुर गांव में 20 वर्षीय महिला खुशबू खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही सनोखर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही FSL टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य को एकत्रित करने में जुट गई है। मृतक महिला के पति और सास का कहना है कि रात में अचानक पेट में दर्द हुआ और तुरंत उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक महिला की मां का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उनकी बेटी के साथ दामाद और सास अक्सर मारपीट करते रहते थे। सनोखर पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की सच्चाई का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत शाहजंगी नवटोलिया में 23 जून से 29 जून तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस भक्तिमय आयोजन को लेकर बाबा बेलानाथ प्रांगण सालेपुर से 1001 श्रद्धालुओं ने कलश संकल्पित कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में ग्रामीण राधे कृष्ण के जयकारे और गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते कथा स्थल पहुँचे। बता दें कि श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में वृंदावन से पधारे कथाव्यास पंडित आनंद मूर्ति गोपाल भाई ओझा 23 जून से लगातार 29 जून तक भगवतामृत की बयार बहाएंगे।